मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आने वाले जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब की अध्यक्षता में मुमरा के तमाम उलमा इकराम, तमाम मस्जिदों के इमाम और ट्रस्टियों के साथ में एक अहम बैठक ली गई। इस बैठक का मकसद था कि जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन डीजे बजाना, सड़कों पर हुड़दंग मचाना जो शरीयत के खिलाफ है, इसलिए इस बैठक में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि जुलूस के दौरान डीजे नहीं बजा सकते हैं, इस पर रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है कि आजकल के जो नौजवान लड़के हैं वो हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर जुलूस के दौरान डीजे की धुन पर नाचते गाते हैं, साथ ही तरह तरह के डरावने पोशाक पहनकर या हाथों में तलवार लेकर चलते हैं जो शरीयत के हिसाब से गलत है। जुलूस के दौरान इसी तरह की चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए ये अहम बैठक हुई है और डीजे पर खास तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही हजरत मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने डीजे बजाने वालों पर पुलिस प्रशासन से कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। साथ ही ये भी कहा है कि शरीयत के हिसाब से जश्न ईद मिलाद मनाया जाए। अहले सुन्नत, अइमा मसाजिद और शहर के जिम्मेदार हजरात की एक मीटिंग आज मुमरा में नूरबाग हॉल में तंजीम अहले सुन्नत ने जो बुलाई थी वो ख़ास तौर पर जश्न विलादत रसूल में होने वाली गैर शरई हरकतों की रोकथाम के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई। क्या ऐलान किया गया यहाँ जमात के स्टेज? इसमें यहाँ पे उलमा ने, अइम्मा ने, जिम्मेदारों ने मुत्तफ़िका तौर पर ये पैगाम दिया है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न शरई दायरे में रहते हुए मनाएँ। हर वो काम जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लानत और मलामत फरमाई है उस काम से बचें, डीजे और दीगर खुराफात में अपना हलाल पैसा ना बर्बाद करें। आप अपना हलाल पैसा गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों, मिस्कीनों, यतीमों पर खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलाही काम करें, चैरिटी करें। हज़ारों ऐसे चैरिटी के काम हैं जिनको करके आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं उन तालीमात को आम करना ये हमारी आपकी ईमानी, इंसानी, इखलाकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को अदा करने का जो तरीका है वो मेंबर रसूल से उलमाए अहले सुन्नत इंशाअल्लाह आवाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा, डीजे को लेके उलमाए किराम मना करते हैं लेकिन फिर भी बचता है, तो इसमें क्या कोई कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया? देखिए, हजरत अल्लामा मुफ्ती जहीरुद्दीन साहब क़िबला ने कहा है और हम लोग उसकी तायद करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन से इस ताल्लुक से मदद ली जाए, वो लोग जो जुलूस में डीजे वगैरह खुराफात वगैरह करते हैं जिससे मुसलमानों की छवि ख़राब होती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ काम करते हैं उनसे जो है वो कानूनी चारा जोई करके निपटा जाए। इस तरीके की बात हजरत अल्लामा मुफ्ती जहीरुद्दीन साहब ने की है और बहुत सारे उलमाए किराम ने भी इस ताल्लुक से बात की है। इस साल जुलूस कब और कहां से रवाना होगा? इस साल जुलूस जो है वो जुलूस ईद मिलादुन नबी मुमरा जीवन बाग से उठेगा वो जुलूस और मुंबई कॉलोनी में आके मुनज्जम होगा। उसके बाद हजरत बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पाक पर इख्तिताम पज़ीर होगा।